नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। हरदोई जिला पंचायत अध्यक्ष की सुरक्षित सीट के लिए आज जिलाधिकारी कार्यालय में नामांकन किया गया। आज हरदोई में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी प्रेमावती देवी ने अपना नामांकन किया। इस दौरान उनके साथ उनके पति व भाजपा के अवध क्षेत्र के मंत्री पी के वर्मा, विधायक राजकुमार अग्रवाल, जिला महामंत्री करमवीर सिंह चौहान, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल आदि मौजूद रहे। नामांकन से पूर्व भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में राज्यसभा सांसद अशोक बाजपेयी, पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल, सांसद सदस्य जयप्रकाश रावत, सांसद अशोक रावत, जिला अध्यक्ष सौरभ मिश्रा, नीरज विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह, रानू सदर विधायक नितिन अग्रवाल, विधायक रामपाल वर्मा, विधायक आशीष सिंह, आशु शाहबाद, विधायक रजनी तिवारी आदि ने उनको जिताने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील की। वहीं समाजवादी पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी मुन्नी देवी ने आज अपना नामांकन जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट के लिए कराया। उनके साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा और पदम राग सिंह यादव, अनिल सिंह वीरू, आदर्श दीपक मिश्रा भी मौजूद रहे। इसके पूर्व समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सपा MLC डॉक्टर राज्यपाल कश्यप की मौजूदगी में प्रत्याशी की जीत के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। नामांकन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। सोल्जर बोर्ड चौराहे से नामांकन स्थल तक बैरिकेडिंग की गई थी, तो वहीं नामांकन के दौरान शहर के आगमन में रूट डायवर्जन भी किया गया था। जिलाधिकारी नगर विकास जायसवाल ने खुद मोर्चा संभाल रखा था। इसके अलावा कई स्थानों की पुलिस भी लगाई गई थी। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, प्रदेश संगठन, क्षेत्रीय संगठन, जिला संगठन, माननीय सांसद और विधायक, इन लोगों हम लोगों को इकट्ठा किया कि ये आज इस पत्र को इस योग्य समझा कि जहाँ ये जिला पंचायत अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, और जिले का सर्वांगीण विकास करूँगी और अपनी ये प्रदेश की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाऊँगी। और हमारे मोदी जी, योगी जी का यही नारा है, हमारा साथ देश सबका साथ सबका विकास। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।